जैसे कि हम लास्ट वीडियो में हमने एक केस शेयर किया था बेबी का, इन्फेंट का, तो उसमें हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो रूब्रिक्स के ऊपर करेंगे। पहली बात है कि हम जानते हैं कि रूब्रिक क्या होता है। रूब्रिक जो है, जब एक पेशेंट हमारे पास आता है तो हमसे जो बातचीत करता है और जो बातें हमें बताता है उसको हम कहते हैं पेशेंट वर्जन। तो पेशेंट वर्जन जो होता है वो पेशेंट की बात होती है, जो उसने बताया होता है उसको हम कहते हैं पेशेंट वर्जन। अब रूब्रिक क्या होता है? अब पेशेंट वर्जन को हमने देखना है, हमने रेफरी के अंदर देखना है, वो हमें उसके मुताबिक कौन सी चीज मिलेगी रेफरी के अंदर, कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सी ऐसी चीज है मिलेगी जो हम उसको एक्सप्रेस कर सकेंगे उसकी फीलिंग्स को। तो जो पेशेंट वर्जन के मुताबिक हम रेफरी के अंदर ढूंढते हैं और वो चीज हमें मिलती है वो है रूब्रिक। रूब्रिक जो है, फिर हम पेशेंट के तमाम केसेस के रूब्रिक को इकट्ठा करके हम एक सिंगल रेमेडी तक जाते हैं। रूब्रिक्स ही वो सीढ़ी है जो हमको सिंगल रेमेडी तक लेके जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो रेफरी का इंतहाई एक एम चैप्टर है एलमेंट का। ये रेफरी का भी एक एम चैप्टर है और पेशेंट की जो बातें होती हैं, जो उसकी कॉजेस होती हैं डिजीज की, उसका भी एक एम चैप्टर है। अब एलिमेंट का मतलब है व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज, वजह क्या बनी कि वो ईज से डिसीज की हालत में गया। तो अब हमको ये जानना होता है कि पेशेंट इस कंडीशन को पहुंचा तो पहुंचा कैसे। तो पेशेंट से हम पूछते हैं कि ये जब तकलीफ शुरू हुई आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें जो है ना हम नोट करते हैं। अब जो एलिमेंट का चैप्टर है इसमें बहुत सारी रीजंस लिखी हुई हैं कि मरीज की बीमारी का सबब बनने की वजूहत क्या क्या है और मरीज के साथ क्या हुआ। जब भी हम केस टेकिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉज, वो रीजन जानना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जिसकी वजह से मरीज ऐसी हालत तक पहुंचा है। जब हम मरीज से पूछते हैं जब आपको ये तकलीफ हुई उस वक्त क्या हुआ था आपके साथ, ये हम रीजन और कॉज जानने के लिए सवाल करते हैं। वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मरीज को इतना सीवियर मसला हुआ। तो ये सारी चीजें हम एलिमेंट के चैप्टर में मिलेंगी। तो पहला रूब्रिक एलिमेंट के चैप्टर से हम लेते हैं आज, एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग। अब इस रूब्रिक के एक एक लफ्ज को समझेंगे तब जाके हमें समझ आएगी कि इस रूब्रिक का मतलब क्या है। एलिमेंट का मतलब है तकलीफ हुई, फ्रॉम कौन सी चीज से, अब्यूज्ड। अब अब्यूज का मतलब क्या है? जैसा कि एक लफ्ज है यूज, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने को कहते हैं यूज, और अब्यूज, अब्यूज का मतलब है उसको प्रॉपर यूज ना करना, उसको कहते हैं अब्यूज, यानी किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना उसको कहेंगे अब्यूज। एक तो नॉर्मल यूज होता है ना, वो प्रॉपर यूज होता है, और जिसको प्रॉपर यूज से हटके इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं अब्यूज, यानी इसको इम्प्रॉपर यूज किया गया है, यानी इस बंदे को अब्यूज किया गया है। और बीइंग का मतलब होता है कंटिन्यूस प्रोसेस, चल रहा है, हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली है वो। तो एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग का मतलब हुआ कि उस बंदे की सारी तकलीफों की वजह जो है वो अब्यूज होने की वजह से है, और अब्यूज के अंदर क्रुएल्टी, हार्मफुल, मोरली रॉन्ग
और रॉन्ग पर्पस के तौर पर मरीज का इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर मरीज के कहता है कि मेरे सर को दर्द हुआ, लेकिन कब हुआ? वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया। अब्यूज की मुख्तलिफ अकसाम है, ये फिजिकली अब्यूज भी हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है। फिजिकली अब्यूज क्या हो सकता है? फिजिकली अब्यूज मारना, डांट के कपड़े पहनने को ना देना, उसकी जिस्मानी जरूरियात को पूरा ना करना, ये फिजिकली अब्यूज है। और सेक्सुअल अब्यूज क्या है? कि उसकी रजामंदी के खिलाफ उसके साथ जो है हरकत करना, इसको सेक्सुअल अब्यूज कहेंगे। अगर यही चीज किसी बच्चे में नजर आती है तो हम उसको कहेंगे एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज्ड चिल्ड्रन इन। ये आगे सब रूब्रिक में जाके हमें मिलेगा, एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज्ड चिल्ड्रन इन। बच्चों के साथ हार्मफुल या रॉन्ग बर्ताव किया जाता है तो उसकी वजह से उसके अंदर उसकी तकलीफें स्टार्ट होती हैं, तो उसे हम लेंगे एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज्ड चिल्ड्रन इन। नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर एक रूब्रिक है एलिमेंट अब्यूज्ड सेक्सुअली। इसका मतलब हुआ मरीज को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, यानी उसकी मर्जी के खिलाफ जोर जबरदस्ती की गई जिसकी वजह से वो बीमार हुआ। मुझे याद है कि एक केस में मेटाफोरिकली भी हमने इसको इस्तेमाल किया था, इस रूब्रिक को। एक लेडीज पेशेंट थी, वो अच्छे खासे अहदे पर सरकारी तौर पर अपने फराइज सरंजाम दे रही थी, और जब उसकी शादी हुई तो ससुराल वालों ने उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा कि हमारे खानदान में औरतों को नौकरी नहीं करने दी जाती, यानी औरतें घर का काम करती हैं, वो नौकरी नहीं करती। उसने इतनी मेहनत करके जो मकाम हासिल किया था, मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा और उसके बाद वो बीमार हुई। तो वहां पर हमने यही रूब्रिक इस्तेमाल किया एलिमेंट अब्यूज्ड सेक्सुअली। इसको हमने मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया, इस औरत की नौकरी की जाने की वजह जो थी वो उसका फीमेल सेक्स होने की वजह से थी। अब देखिए, आप जब एक फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर एक होता है ऑप्शन होता है सेक्स, उसमें या तो लिखा जाता है मेल या फीमेल, ठीक है। अब ये औरत अपनी फीमेल होने की वजह से उन्होंने क्या कहा है कि हमारे खानदान में औरतें जो हैं वो जॉब नहीं करती, नौकरी नहीं करती, तो आप जो है लिहाजा ये नौकरी छोड़ो और घर में बैठ जाओ। उसके बाद ये उसने इतनी मेहनत की इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, पहले पढ़ी, डिग्री हासिल की, फिर नौकरी हासिल की, फिर हाई लेवल पे जाके बैठी, तो अब उससे कहा जा रहा है कि ये सब खत्म कर दो। तो उसके बाद ये बीमार रहनी शुरू होगी। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह क्या थी कि फीमेल होने की वजह से उससे जो है वो नौकरी नहीं करने देगी, उसके सेक्स की वजह से। इसलिए मेटाफोरिकली हमने यहां पे भी ये रूब्रिक का इस्तेमाल किया एलिमेंट अब्यूज्ड सेक्सुअली। हाँ, इसमें एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, सम खानदानों में ऐसा होता है कि लड़कों को तो जायदाद में हिस्सा दे दिया जाता है लेकिन लेडीज को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। तो अगर कोई औरत उसको फीमेल होने की वजह से उसको जायदाद में हिस्सा ना मिले और वो उस चीज की टेंशन लेके बीमार हो जाती है कि भाइयों को तो हिस्सा दे दिया गया और मुझे नहीं दिया गया, तो वहां पे भी हम इसको, इस रूब्रिक को एलिमेंट के तौर पर ले सकते हैं। अगर वजह ये बने बीमार होने की, कॉज ये हो, तो फिर हम ये रूब्रिक मेटाफोरिकली वहां पे भी यूज कर सकते हैं एलिमेंट अब्यूज्ड सेक्सुअली, ठीक है। आगे एक रूब्रिक है एलिमेंट के चैप्टर से ही, एलिमेंट अब्यूज्ड मैरिज आफ्टर बीइंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शादी के बाद बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाता है, उनके साथ वायलेंट ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको गलत
इस्तेमाल किया जाता है, उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया जाता है। अच्छा, ये अब्यूज जैसे मैंने पहले ही बताया, फिजिकल भी हो सकता है, मॉरली भी हो सकता है। फिजिकल का क्या मतलब है? मारना, पीटना, उसको पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना देना, खाने के लिए अच्छा ना देना, या उसकी सारी जिस्मानी जरूरियात को ना पूरा करना, ये फिजिकली अब्यूज में आएगा। ठीक है, तो मेंटली अब्यूज या मोरली अब्यूज क्या है? उसको तरह तरह के ताने देना, उसको उसका जो काम किया है उसने उसकी तारीफ ना करना, उसको कहना ये गलत किया, फलां चीज गलत की, फलां चीज गलत, यानी उसकी कभी जो है उसका उसकी तरफदारी ना करना। तो अगर कोई फीमेल कहती है या कोई मेल कहता है कि मैं शादी के बाद मुझे ये मसाइल आए हैं, शादी की है तो मैं ऐसा हुआ हूं, पहले मैं बिल्कुल ठीक था, तो वहां पे हम रूब्रिक लेंगे एलमेंट अब्यूज्ड मैरिज आफ्टर बीइंग। तो ये हमने रेप्ट्री का इंतहाई एक अहम चैप्टर शुरू किया, जिसके हमने अब्यूज्ड वाले चंद रूब्रिक आज एक्सप्लेन किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम मजीद इसके ऊपर बात करेंगे और थोड़े थोड़े रूब्रिक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद रूब्रिक्स के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।